welcome everybody to the service, and this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hamare liye Prabhu bahut mahan hai aur hamara charwaha hai. Humko sab kuch dene wala hai, changai dene wala hai, aur jiske liye sab sambhav hai. Yahi Yehova hamara beech mein hai. हम ये कोविड के बारे में डरने का जरूर नहीं, हम प्रभु का प्रभु के पास आते हैं, हम बहुत खुश होंगे और इनकी चरणों में हम मानेगा तो हम बहुत आनंद पाएंगे और बहुत खुश होंगे और हम बहुत आश्चर्यकार देखेंगे. हर दिन हर मिनट प्रभु हमारा साथ है और हम किसी के भी, जब प्रभु हमारा साथ है हम कोई बीमारी के लिए, कोई घटी के लिए हम डरने का जरूर नहीं. Thank you.
यहोवा हमारा चरवाहा है, हमको कोई घटी नहीं होगी। हमेशा प्रभु हमारे साथ है और हमको कोई घटी नहीं होगी। हम मृत्यु के अंधकार में जैसे हम जा रहे, हर जगह मृत्यु का अंधकार है, जैसे कोविड के बारे में, कैंसर के बारे में, और काफ़ी लोगों का जॉब भी छूट गई है, किसी का तंका भी नहीं आ रहा, फिर भी हमको प्रभु हम सब कुछ देने वाला है, हमको कोई घटी नहीं होगी। हम जब मृत्यु के अंधकार में जा रहे, हमको फिर भी प्रभु हमारा साथ है, और सिर पर तेल मला है और अभिषेक मुझे किया है। इसके मतलब सिर पर तेल मलना, मतलब हम बोलते हैं मरीज को, मतलब तो जब भी बुखार में, जब भी सिर दर्द में, हम तेल मतलब प्रभु का आत्मा जब हमको अभिषेक करता है, हम बहुत खुश होंगे और हम स्वस्थ होंगे। और जब भी हम हमेशा और प्रभु का घर में हम खुश रहेंगे, क्योंकि आजकल हम प्रभु का घर के आने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा, फिर भी हर जगह जहीं पर हम रहे वही प्रभु का घर बन सकते, और हमारा बदन है परमेश्वर का मंदिर है, ये सोच के हम जहीं पर भी हो हम प्रभु का मंदिर बना के हम ये गाना गाएंगे, और जो जो लोग ताली बजा सकते हैं बजाएंगे। प्रभु का आत्मा आएगी और चंगाई देगी, बीमारियों को दूर करेगी, और सो हमारी कोई प्रॉब्लम है ये पूरा दूर हो जाएगी। यही है ये गाने का अर्थ। धन्यवाद। और सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है, और जिसने समुद्र को दुभागा और जिसमें जंगल में राख बनाया, और समुद्र को धूप, समुद्र को, नदी को, कोई इंसान कोई ग्लास में भी पानी दुभाग नहीं कर सकता। परमेश्वर को सब संभव है, इसलिए तो परमेश्वर समुद्र को भी एक ही बार है, बाइबल में भी, हिस्ट्री में भी, और एक ही बार समुद्र दुभाग हुआ और कभी भी नहीं हुआ। और जक्कई की इन्होंने बुलाया था, और लाजर को इन्होंने जिलाया था, और उन्होंने पूरा वायदे को पूरा करने वाला है, इनके सब संभव होती हैं, और कोई ऐसे नहीं होती इनसे कुछ संभव नहीं है। हमारी सबके अंदर एक सीक्रेट परमेश्वर रखा, वो सीक्रेट को हम, वो रहस्य को हम अनवेल करना, अनकवर करना, ये तो है, ये तो है, हम मेरे लिए सब संभव है, मरीज को भी, देखने वाला को भी, जो जिसके बीमारी है, ये सब के लिए परमेश्वर सब संभव है, यही है।
continue worshiping and let's use this song to declare out loud once again that Jesus is our King. इस गीत को गाते समय हम फिर से इस बात का अंगीकार करें, अपने मुंह से बोलें कि यीशु मसीह तू ही हमारा राजा है. Yeah.
joining in, everyone. Hope you had a good time worshiping the Lord. धन्यवाद हो जुड़ने के लिए आपका समय बहुत अच्छा बीता होगा परमेश्वर की आराधना करते हुए Let's go into a time of giving. आइए हम देने की ओर बढ़ते हैं And today at the time of giving I want to talk about one verse in the Bible which is taken from 2 Timothy chapter 4 verse 16. और आज देने के समय में मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगा जो कि दूसरा तिमोथी उसके चौथे 16वें वचन से लिया गया है In that verse you will find that Paul is writing to Timothy and he is saying that there was a time in which he had to appear for trial and in that trial in the courtroom there was nobody from his side present to represent him और यहाँ पर उस वचन में पौलुस लिखता है तिमोथी को कि एक समय ऐसा था कि जब उसको कोर्ट में जाना था और उसके अगेंस्ट एक केस चल रहा था लेकिन फिर भी कोई भी उसके साथ में नहीं था और उसे अकेले ही वो सब कुछ संभालना पड़ा And today during this crisis time, I want to encourage each member who's listening to me or a non-member listening to me, I want to encourage you to stand with the people who have job losses, who have whose trade has been hampered, whose income has been hampered, and we just need to stand together with them, not only in prayer, also in the finances. और जिस तरह से आज मुझे सभी लोग सुन रहे हैं जो हमारे सदस्य हैं या जो हमारे सदस्य नहीं भी हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप उन सभी लोगों के साथ अपने सभी भाई बहनों के साथ में खड़े रहें जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनकी तनख्वाहें कट रही हैं। And to help all those people, we are trying to think of many ways in which we can help them. Recently, we have even started helping people giving them a second-hand smartphone or repairing some old laptops and giving it to them because that's a scope in which they can work, they can apply for jobs, and all that requires money. So I want to encourage you that at this point of time, you can just give out of generosity and stand with the people whom we are trying to help. और जिस तरह से अभी हम लोगों की मदद कर रहे हैं कलीसिया से वो ऐसा है कि जिन लोगों के पास में लैपटॉप नहीं है या फोन नहीं है जिसके द्वारा वो कार्य कर सके तो उनको सेकंड हैंड फोन को रिपेयर करने में या लैपटॉप को रिपेयर करने में उनकी मदद कर रहे हैं ताकि कोई भी उन्हें नौकरी मिल सके और वो अपना काम शुरू कर सके तो ऐसे समय में आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने भाई बहनों के साथ में खड़े रहें और जिस तरह से उदारता से हम परमेश्वर में देते हैं आप उदारता से कलीसिया को दे सकते हैं एज अ चर्च वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेटेजिकली हेल्प पीपल we are not trying to do a mass distribution of say masks or just food distribution but we are trying to identify what is one thing that we can invest in this person's life or what is the real need in this person's life and then support him for that so that he can make a living out of it aur jis tarah se hum kalisiya se madad kar rahe hain logon ki wo hum kuch yojana banakar madad kar rahe hain hum pehle dekh rahe hain ki kis चीज में किस व्यक्ति की मदद की जा सकती है और किस मदद से उसके जीवन में उसको लाभ होगा एंड ऑल्सो फॉर मेनी मिडिल क्लास पीपल होम पीपल रियली डोंट हेल्प बिकॉज दे डोंट फॉल इन टू द पुअर क्लास we are also trying to just give a token help we can't match their EMIs or we can't give the entire rent and it's very difficult for us to do that amount but we are trying to just do a token amount do what Paul is talking about here is we are just trying to support them and stand with them in this hour of need और जिस तरह से मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनमें कुछ ऐसी मदद करने की आवश्यकता होती है जो कि गरीब परिवारों में नहीं होती है तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हम उनकी जो EMI है या उनके जो बड़े खर्चे हैं उसमें से एक कुछ छोटा सा अमाउंट उनको देना चाह रहे हैं जिससे उन्हें थोड़ी मदद मिल सके और हम पूरा का पूरा नहीं दे सकते तो इस तरह से हम कई सारे लोगों को छोटा छोटा अमाउंट देने की कोशिश कर रहे हैं So you have the details on the screen. और आपके पास में सारी जानकारी होगी स्क्रीन पर। If you're feeling led, you can transfer anything. और अगर आपको अगुवाई मिलती है परमेश्वर की ओर से तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं
Let's move into the word of the Lord. आइए परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ते हैं. Now today I want to teach on a character of God which I find so many times in the Bible. और आज मैं बताना चाहूंगा आपको परमेश्वर के चरित्र के बारे में जो कि मैंने बहुत बार बाइबल में देखा है. You know, we know of certain characters of the Lord and we see it many times and we know that he is all love, he is filled with compassion. But when we go deeper into the word of the Lord and we go through the experiences that we have with him, we learn something more about him. We understand what does he like or what kind of situations he relishes, which are the people who really supports and goes all out for, what are the relationships he is looking at. वैसे तो हमने परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा होता है और जैसे जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि परमेश्वर कितना प्रेम और दया से भरा हुआ है. एक ही चरित्र हमें पहले से ही पता है परमेश्वर के बारे में, लेकिन हम जिस तरह से और गहराई में वचन को पढ़ते हैं और बहुत सारी बातें हमें परमेश्वर के बारे में पता चलती है, तो हमें पता चलता है कि उसका कैसा रिश्ता है, किस तरह के लोगों से, और वो अपने रिश्ते में लोगों के साथ में क्या क्या करता है, उसका एक और चरित्र बाहर निकल कर आता है. फॉर एग्जाम्पल, ही स्पेंड्स द एंटायर नाइट teaching Nicodemus, who is anyways a very learned person. But when the person who had legion of evil spirits inside him comes and requests him to stay with him for a little more teaching, Jesus advises him, you don't need any teaching, you can just go and preach the gospel. और जिस तरह से जो निकोदिमस होता है उसको प्रभु यीशु मसीह पूरी रात लगा देते हैं सिखाने में, वचन से बताने में, लेकिन जो इसी तरह से दूसरा व्यक्ति है और वो दुष्टात्मा से ग्रसित होता है, लेकिन दुष्टात्मा निकलने के बाद में जब वो कहता है कि मुझे और सिखाओ, प्रभु यीशु मसीह से कहता है, तो प्रभु कहते हैं उसको कि तुम्हें कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, तुम सीधे जा सकते हो और प्रचार कर सकते हो. दैट जस्ट टेल्स अस अबाउट हिज नेचर दैट ही लाइक्स रॉ थिंग्स. And the people who have already known a lot but not about compassion of God, he wants them to unlearn that and so that he can write something new in their hearts. और इससे ये पता चलता है कि जो परमेश्वर है उसको शायद कुछ खाली चीजें पसंद है जिसमें पहले से कुछ नहीं भरा हुआ है, और कोई व्यक्ति जिसको पहले से ही बहुत सिखाया जा चुका है और वो बहुत ही शिक्षित व्यक्ति है, उसको परमेश्वर पूरा बदलना चाहते हैं. So you see that as you go deep into the word of the Lord and you go through the experiences and you read further in the Bible, you find that you are getting to know some more qualities of God on how he likes to operate. और जिस तरह से आप गहराई में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और आपको धीरे धीरे ये पता चलता है कि क्या क्या चरित्र है परमेश्वर का और उसकी और क्या क्या अच्छाइयां है और वो क्या क्या करना चाहता है. Another example, once a rich man came to Jesus and he wanted to enter the kingdom of God, and Jesus told him that why don't you give all your money to the poor and then come be part of the kingdom of God, you know. But Jesus does not do that with every rich person. Lazarus and Martha, they were also very rich, but Jesus never gave this kind of instruction to them. That tells us about his nature, his character, that where he sees money as a stumbling block, there he gives this teaching to give all your money away. जिस तरह से एक और उदाहरण है कि जो अमीर व्यक्ति होता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तुम्हें अपना सारा धन दे देना होगा, गरीबों में देना होगा, लेकिन ऐसा कोई भी आदेश वो लाजरस या मार्था को नहीं देते, वो भी पहले से बहुत अमीर होते हैं. तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा इसलिए करते हैं कि जब भी प्रभु यीशु मसीह को लगता है कि ये कोई रुकावट है उसके विश्वास में, तो वो इस तरह की आज्ञा देते हैं. So you see that as you learn more about the Lord, you figure out certain characters and certain styles in which he operates. And one style that I'm going to teach about today is he likes to operate at the last moment. और इस तरह से हमें ये भी पता चलता है कि परमेश्वर का एक तरीका है, उसका एक अंदाज है कार्य करने का, और आज हम और सीखेंगे परमेश्वर का क्या अंदाज है, वो कैसे कार्य करना चाहता है. Very recently, MS Dhoni retired from international cricket. कुछ ही समय पहले MS Dhoni जो है वो रिटायर हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से. And he is known to take the game to the last over. और ये पता है, उनके बारे में सभी जानते हैं कि वो जो खेल है उसको लास्ट ओवर तक पहुंचाने के लिए बहुत माहिर है. एंड सो मेनी टाइम्स ही डिड इट इन द लास्ट ओवर एंड सो मेनी टाइम्स ही वाज अनसक्सेसफुल इन द लास्ट ओवर. और उन्होंने बहुत बार लास्ट ओवर में ऐसा किया है और बहुत बार उनको सफलता नहीं भी मिली. बट आई वांट टू टेल यू दैट आवर लॉर्ड लाइक्स टू टेक इट टू द लास्ट ओवर एंड डू इट.
लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा परमेश्वर है वो लास्ट ओवर में ले तो जाता है और उसे कल भी दिखाता है। And we find many examples in the Bible where he takes all these people to the last over. और बहुत बार ऐसा हुआ है वचन में आप देखेंगे कि उसने बहुत सारे व्यक्तियों को लास्ट ओवर तक पहुंचाया भी है। You know, he has not provided Israelites water till the time they have been thirsty and they have been crying out against Moses that why did you bring us here? और ऐसा भी होता है कि इसराइलियों को जब तक वो बिल्कुल प्यासे नहीं होते, जब तक वो रोना शुरू नहीं कर सकते करते मूसा के आगे, तब तक वो प्रदान ही नहीं करता है। Till the time they are hungry, he doesn't provide the manna. और जब तक वो बिल्कुल भूखे नहीं होते तब तक वो मन्ना प्रदान ही नहीं करता। He likes to operate in the last hour. उसकी आदत ही है कि वो बिल्कुल आखिरी समय में प्रदान करता है। And that's another character of his, nature of his that we are learning. और ये एक और उसका चरित्र है जो हम सीख रहे हैं। You know, there was a time in which the Israelites left Egypt and they were in the process of leaving Egypt and they were traveling. And they were traveling and they had the Red Sea between them and the Promised Land. And, you know, the Lord did not just make the way as soon as they approached the Red Sea. The Lord waited till the time the enemy was attacking them, till the time they almost felt like there's nowhere to go and they were very desperate, the way wasn't made. और वादा की भूमि से पहले जो लाल समुद्र होता है उसको पार करने के लिए वो बिल्कुल परमेश्वर के आगे अपने घुटने नहीं टेक देते, जब तक बिल्कुल शत्रु उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर देता तब तक कोई रास्ता ही नहीं बनता, और बिल्कुल आखिरी समय में परमेश्वर उनकी मदद करता है और उनके लिए रास्ता बनाता है। So today I want to teach you more about this God who does things at the last hour. और आज मैं आपको और बातें बताने वाला हूँ उस परमेश्वर के बारे में जो कि आखिरी समय में अपना कार्य करता है। He likes to take the game to the last over. वो खेल को बिल्कुल आखिरी पड़ाव में लेकर जाना चाहता है। Why does he do that? वो ऐसा करता क्यों है? Why can't he do it beforehand? और वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि ये सब कुछ पहले ही हो जाए? Why couldn't he have made the road for the Israelites when they started off their journey? From Egypt, why couldn't he have, you know, just given them the sight that the Red Sea is open before them and they just need to walk through? और ऐसा क्यों नहीं करता परमेश्वर कि इसराइलियों के लिए पहले से ही रास्ता बना के जब वो अपनी यात्रा शुरू ही कर रहे थे और इससे पहले कि शत्रु उन पर आक्रमण करे वो पहले ही रास्ता बन चुका और वो चले जाएं? Why does Abraham have to wait 25 years for his son to be born? और क्यों ऐसा था कि इब्राहिम को इतने समय तक इंतजार करना पड़ा अपने बेटे के लिए? Why was Joseph supposed to wait for 27 years to see all his dreams and visions come to pass? और यूसुफ को 27 वर्ष तक क्यों इंतजार करना पड़ा उसके सारे दर्शन के लिए जो कि पूरा हो सके? Why were the Israelites made to wait for 500 years for the Messiah and no prophet in during that time? You know, why were they given this opportunity to just perceive in this time? और इसराइलियों को 500 वर्ष तक क्यों इंतजार करना पड़ा जब तक कि उनके पास भी कोई भविष्यवक्ता नहीं था? You know, I believe that there are two reasons for this. और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे दो कारण हैं। I believe that when you have to wait and when you go to the last hour, I think there's more time for you to practice your faith. और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप उस आखिरी समय में नहीं पहुंच जाते उससे पहले जो इतना सारा समय आपके पास में होता है इंतजार करने का वो समय है आपका विश्वास बढ़ाने के लिए। You know, and as you are waiting patiently in faith, you are developing some spiritual muscles. और जब भी आप इंतजार कर रहे होते हैं विश्वास में पूरे धैर्य के साथ तब आप क्या करते हैं कि आप एक तरह की मसल्स बना रहे होते हैं आत्मिक रूप से। सपोज यू नो दिस वॉल इज अ बिग रॉक, और मान लीजिए कि ये जो दीवार है एक बहुत बड़ा पत्थर है। You know, and I'm trying to push it. और मैं इसको धक्का देने की कोशिश कर रहा हूं। And I've tried it first day. और मैंने इसको पहले दिन प्रयास किया। Second day, third day, and for 5 months I've been trying this. दूसरे दिन, तीसरे दिन और 5 महीने तक मैं कर रहा हूँ ऐसा। But somehow it's not moving. और किसी तरीके से मान लीजिए ये नहीं आगे बढ़ता। And you might think that you know all my efforts are futile.
और फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि हमारे जो प्रयत्न हैं वो सारे बेकार हैं। You know, but at the time when you are pushing it, your muscles are getting made. लेकिन जिस समय आप इसको धक्का दे रहे होते हैं उस समय आपकी मसल्स बन रही होती है। The stone is not moving, but there's activity inside your body. And similarly, when you wait for something in faith, then it gives in character, it gives more muscles to your faith. और हो सकता है कि आपका कार्य पूरा ना हो, लेकिन जब आप प्रयत्न कर रहे होते हैं वो समय होता है जिसमें आपका चरित्र बन रहा होता है, जिसमें आपकी आत्मिक रूप से मसल्स बन रही होती है। So I believe that the Lord, you know, he tries to work at the last hour so that he can give us more rewards for our faith and persistent faith in perseverance. और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम इंतजार कर रहे होते हैं विश्वास में, तो परमेश्वर उस समय में जो हमने वो धैर्य रखा होता है और जो लगातार हमारा प्रयास होता है, उसके लिए परमेश्वर जरूर हमें एक उपहार देना चाहता है। The second reason why I feel that he wants to take it to the last over, I mean, he wants to, you know, drag things and he does it at the place where you are rock bottom is because he wants us to exhaust all the possible solutions that we have in our head. और कभी कभी जब ऐसा होता है कि जब वो आखिरी पड़ाव तक उस खेल को ले जाता है या वो सारी समस्याएं जो आपके जीवन में होती है उसको ले जाता है, तो वो लगातार उसको खींचता रहता है, क्योंकि हम वो चाहता है कि हम सारे प्रयत्न कर लें जो भी हमारे लिए संभव है, और वो बताना चाहता है शायद कि उन प्रयत्नों से कुछ नहीं होने वाला, और फिर आखिरी में वही मदद करता है। Like Abraham, he made all his possible solutions in order to have a son. And he hired someone also to have a son, and that didn't work out. It's like he has exhausted all his alternatives, he has exhausted all his options, and then the Lord steps in. और इस तरह से जैसे इब्राहिम करता है कि वो सारे प्रयत्न कर लेता है अपने बेटे के लिए और उसमें भी कुछ हो नहीं पाता है, लेकिन जब आखिर में वो परमेश्वर के पास में जाता है, परमेश्वर ही उसकी मदद करता है। Have you exhausted all your resources? क्या आपने अपने सारे स्रोतों का प्रयत्न कर लिया है, सबको आप काम में ला चुके हैं? Have you tried everything? क्या आपने सब कुछ ही प्रयत्न करके देखा? And still nothing has happened. लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। It might be in your relationship, it might be in your finances, it might be in your health, it might be in your ministry. हो सकता है कि आपके रिश्तों में हो, ये आपके धन में हो सकता है आपकी सेवकाई में हो। You know, and the Lord is telling that I'm going to provide the solution right at the last hour. और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें इसका समाधान अवश्य दूंगा, लेकिन आखिर में। It's like he wants us to kind of explore and then understand that he is the final solution giver. वो चाहता है कि हम सब कुछ खोज करके देख लें और आखिर में वो समाधान दे ही देगा। Okay, and the third thing is he gets more glory when he does it in the last over. और जो तीसरी बात है वो ये है कि उसे ज्यादा महिमा मिलती है जब वो आखिर में ये कार्य करता है, परमेश्वर को महिमा मिलती है। Okay, and many people might agree that how worship hungry is he that he wants all this credibility to hit him. और बहुत सारे लोगों को देखकर ऐसा लगता होगा कि परमेश्वर इतना आराधना का भूखा क्यों है कि उसे अंत में कार्य करना होता है और सारी वाहवाही वो खुद ही लेना चाहता है। I want to tell you that he gets the glory, but what he does is he taps our back and says, "Oh, wow, wonderful, well done, my son, my daughter. You have fought a very good fight of faith. You have defeated the devil." You know what he does is that he gives that credit, even though we have not fought that battle. He has fought it for us. We have just perceived in that battle. He gives the credit of the battle to us by tapping our back and telling us, "Well done, good job done, my son, my daughter." लेकिन होता ऐसा है कि वो कार्य तो खुद कर देता है और आखिरी समय में हमारी ऐसे मदद करता है, लेकिन बाद में वो क्या करता है, वो हमें ही वाहवाही देता है। वो ऐसा करना चाहता है कि हमारी पीठ थपथपाना चाहता है और कहना चाहता है कि मेरे बेटे या बेटी, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। So I want to encourage you to find out more about this character of God. तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के इस चरित्र के बारे में कुछ और खोज करें। You know, in this character, you understand that he works at the last moment. And even though you might be in the middle of a crisis,
You might be in the middle of a situation and you might feel that you have exhausted all your resources, but the word of the Lord is coming to you today that your God is going to work right at the last hour. और परमेश्वर की इस खोज में ऐसा हो सकता है कि आपने अपने सारे स्रोतों का इस्तेमाल कर लिया हो, जो भी प्रयत्न आप अपनी ओर से कर सकते थे आपने कर लिए हो और कुछ भी कार्य ना बन रहा हो, लेकिन आखिरी समय में परमेश्वर आपकी मदद करता है। I want to give you an example of a character in the Bible who I feel knew that God is going to work at the last hour. मैं आपको एक ऐसा चरित्र बताना चाहूंगा बाइबल से जिसका मुझे लगता है कि उसको पहले से ही पता था कि परमेश्वर आखिरी समय में मदद करेगा। And his name is Jonah. और उसका नाम है योना। Jonah had, you know, he had this love kind of relationship with God, and in that love, he takes God so many times for granted. और ऐसा था कि जो परमेश्वर के साथ में उसका रिश्ता था तो वो कभी कभी इस बात को हल्के में भी लेता था। And that's why the Lord told him to go into the great city of Nineveh and preach there, and he left the place where he was and went to the opposite direction. तो परमेश्वर ने उसको कहा कि तुम जाओ प्रचार करो, निनवे की ओर जाओ, और वो क्या कहता है, वो बिल्कुल अलग ही दिशा में चला जाता है। And then he is caught on the ship when they throw lots and the Lord comes in his name. And they all find out that the storm on the sea is because of Jonah. फिर ऐसा होता है कि जब वो उस नाव में होता है तो जो तूफान आने वाला होता है उससे पहले जब वो लोग सारे लोग पर्चियां डालते हैं उसमें उसका नाम निकलता है और ये पता चलता है कि ये जो तूफान आ रहा है वो योना की वजह से ही आने वाला है. And Jonah somehow knew in his heart that he is following a God who's going to rescue at the last hour. लेकिन जो योना था उसको पहले ही अपने हृदय में ये बात पता थी कि वो एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहा है जो कि आखिरी समय में जरूर उसकी मदद करेगा। And we find that Jonah is actually he's surrounded from all directions. He is not in good terms with the people on the ship now. He is not in good terms with God also. He's been running away. But I feel that his dialogues on the ship are very confident. You know, he understands his God who is going to rescue him at the last hour. And that's why he tells the people in the ship that I am a Hebrew and I serve the Lord who has created the heavens and the earth. Throw me in the ocean and the ocean will come to rest. और वैसे अगर आप देखेंगे तो योना जो होता है उस समय में काफी गंभीर समस्या में होता है क्योंकि उसकी तरफ कोई भी नहीं होता है. जो नाव के लोग हैं वो भी उसके विरुद्ध हैं. परमेश्वर से भी वो अपना रिश्ता थोड़ा बिगाड़ चुका है क्योंकि परमेश्वर ने जो उसको आज्ञा दी थी उसने उसका पालन नहीं किया. लेकिन फिर भी उसको ये विश्वास होता है कि वो जिस परमेश्वर के पीछे चल रहा है वो उसकी मदद करने वाला है. इसीलिए नाव में बैठे हर एक व्यक्ति को वो कहता है कि मैं एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं जिसने आकाश और धरती को बनाया है. मैं एक इब्रानी हूं और वो मेरा परमेश्वर जो है मेरी मदद जरूर करेगा. You know, and as soon as the people throw Jonah into the ocean, the sea comes to rest. और जैसे ही उसको फेंक देते हैं सारे लोग समुद्र में, वैसे ही वहां पर शांति हो जाती है. सारा समुद्र जो है वो शांत हो जाता है. We find that Jonah is in the belly of a fish. हम ये देखते हैं कि योना जो है वो मछली के पेट में है. And from there he is praying. और फिर वहां से वो प्रार्थना कर रहा है. He doesn't pray to the Lord saying that Lord please give me one more opportunity. वो ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करता कि परमेश्वर मुझे एक और मौका दें. He is not praying that Lord I'm so sorry that I ran away from you but I won't do it again. वो ऐसा भी कुछ नहीं कहता है कि मुझे माफ कर दो परमेश्वर, जो भी आपने मुझसे कहा था मैंने नहीं किया और मैं वहां से भाग निकला. But I really like that prayer. मुझे उसकी जो प्रार्थना है वो बहुत ही अच्छी लगती है. In that prayer, he says, उसकी प्रार्थना में वो कहता है I will offer you sacrifices. वो कहता है कि मैं आपको बलिदान चढ़ाऊंगा. He starts the prayer by saying that when I was down on the pit, when I was on rock bottom, when I was almost in hell, you rescued me. वो कुछ ऐसी बातें करता है कि जब मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, जब मैं बिल्कुल ही गिरा हुआ था, उस समय आपने मुझे उठाया. And then he says that I'll offer you sacrifices. वो कहता है कि मैं आपको बलिदान चढ़ाऊंगा. Where would he offer the sacrifices? कहाँ से वो बलिदान चढ़ाएगा? In the belly of the fish. मछली के पेट से? No. नहीं. He knew that his God is going to help him at the last hour.
क्योंकि उसको पता था कि जो उसका परमेश्वर है वो उसको आखिरी समय में मदद करेगा. He knew that he's a Hebrew and he knew that his God is able to rescue him in the even in the belly of the fish. उसको पता था कि वो इब्रानी है और उसका जो परमेश्वर है उसकी मदद उस मछली के पेट में भी करेगा. He almost pre-knew what Paul wrote to the Corinthian church that God's power works best in your weakness. He probably knew it in the Old Testament even though Paul wrote it later. उसको ये बात भी बहुत अच्छी तरह से पता थी जबकि पौलुस नए नियम में ये बात लिखता है कि तुम्हारा जो परमेश्वर है उसका जो कार्य है वो सबसे ज्यादा कार्य में आता है कमजोरी के समय में, जब आप बिल्कुल गिरे हुए होते हैं उसी समय परमेश्वर उठाता है. और ये बात नए नियम में लिखी है और योना जो है वो पुराने नियम में है लेकिन फिर भी उसको ये वचन अच्छी तरह से. And that's the word for you today. और यही वचन है आज आपके लिए. Are you ready to receive this? क्या आप इसे प्राप्त करने के लिए? Do you understand this God who works at the last hour? क्या आप उस परमेश्वर को समझ रहे हैं जो बिल्कुल आखिरी समय में आपकी मदद करता है? A God who's waiting patiently so that he can credit you for your faith, who can pat on your back and tell you that wonderful work done, my son, my daughter, excellent fight you have fought. ये वो परमेश्वर है जो धैर्य से आपका इंतजार कर रहा होता है बिल्कुल आखिरी समय में आपकी मदद करने के लिए, और सारी वाहवाही वो खुद नहीं लेता लेकिन आपको दे देता है और कहता है कि मेरे पुत्र या पुत्री तुमने बहुत अच्छा कार्य किया. So I want to leave you with this verse. तो आज मैं आपको इस वचन के साथ में छोड़ना चाहूंगा. It's taken from 2 Corinthians chapter 12 verse 9. और ये लिया गया है दूसरे कुरिन्थियों का 12वां अध्याय और 9वें वचन से. It says that my grace is all that you need. यहाँ पर लिखा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है. And Paul is writing that his power works best in his weakness. और पौलुस लिख रहा है क्योंकि उसकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है. You know, when are you the weakest? तो आप सबसे ज्यादा निर्बल कब होते हैं? When you have explored all options and you have not come to a solution. जब आपने सारे तरीके अपना लिए होते हैं लेकिन आपको फिर भी समाधान नहीं मिलता. When you have reached rock bottom. जब आप बिल्कुल गहराई में बिल्कुल अंत समय में पहुंच जाते हैं. When you don't understand what to do now. जब आपको समझ ही नहीं आता कि अब करना क्या है. The Lord's word for you. तो परमेश्वर का जो वचन है वो आपके लिए है. It's his character, it's his nature to work in that environment. तो उसका जो चरित्र है वो ये है कि उस समय आपकी मदद करे. Come, let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं. Father Lord, we pray for all the people watching me right now. परमेश्वर हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भी इस समय मुझे देख रहे हैं. And today, Lord, we have known that you are a God who works at the last hour. और परमेश्वर आज हमने जाना कि आप एक ऐसे पिता हैं, एक ऐसे परमेश्वर हैं जो कि आखिरी समय में मदद करते हैं. Did you want to take it to the last over because there's more scope of faith? और आप बिल्कुल खेल को आखिरी पड़ाव में ले जाते हैं जब आपको पता चलता है कि अब कोई और तरीका नहीं. And that's the reason you are delaying your coming also so that you can take it to the last over and have many people saved by faith. और परमेश्वर आप अपने आगमन में भी इसीलिए देरी कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अभी और समय है और आप बिल्कुल आखिरी पड़ाव में इसे ले जाना चाहते हैं. Lord, I pray for all the people stuck in the last of whatever they have, Lord. और परमेश्वर मैं सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा जितने भी लोग फंसे हुए हैं बिल्कुल उस आखिरी समय में जब उनके पास कुछ भी नहीं है. Maybe their relationship is at the last as rock bottom. हो सकता है उनका जो रिश्ता है वो बिल्कुल आखिरी समय पे. Maybe their finances are at the rock bottom. हो सकता है उनका धन बिल्कुल खत्म हो चुका हो. Maybe their ministry is at rock bottom. हो सकता है उनकी सेवकाई बिल्कुल आखिरी में. Maybe their health is at the rock bottom. हो सकता है उनका स्वास्थ्य बिल्कुल आखिरी समय में चल रहा हो. But Lord, we are reminded today that you are a God who works in that weakness. लेकिन परमेश्वर हम एक बार फिर से ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो सबसे निर्बल समय में कार्य करते हैं. Can you tell the Lord right now? क्या हम परमेश्वर को ये बता सकते हैं? I trust you, Jesus, to work in this last phase of my life. और यीशु हम आप पर विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में बिल्कुल आखिरी समय में मदद करने वाले हैं. When the chips are down, when my motivation is down, when my mental situation is down, that's where you are working, Lord. ऐसे समय में जो परमेश्वर मेरा सब कुछ मेरे जीवन में खत्म हो चुका होता है, जब सब कुछ गिरा हुआ होता है, उस समय में आप मदद करते हैं. I trust in you, Lord.
मैं आप पर विश्वास करता हूँ। I invite you in my rock bottom situations। और परमेश्वर मैं आपको अपने बिल्कुल आखिरी समय में मदद करने के लिए बुलाता हूँ। I increase my faith during this time। और इस समय में मैं अपने विश्वास को बढ़ाता हूँ। And I embrace this teaching। और परमेश्वर इस सिखलाई को मैं अपने जीवन में अंगीकार करता हूँ। I give you all the glory and honor। और परमेश्वर मैं सारा आदर और महिमा आपको देता हूँ। In the name of Jesus। यीशु के नाम में। Amen। आमीन।